अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट सेल करती है और उस प्रोडक्ट की प्राइस उसने $10 सेट की हुई है, यानी वो अपना ये प्रोडक्ट हर यूनिट उसका $10 में सेल करती है और हर यूनिट पर जो उसकी कॉस्ट आती है यानी वेरिएबल कॉस्ट वो $6 है। उसकी टोटल फिक्स कॉस्ट $24,000 है पीरियड की और वो टारगेट सेट करके बैठी है कंपनी $6,000 का प्रॉफिट कमाने। तो अगर हर यूनिट $10 में बिक रहा हो, सेल हो रहा हो और दूसरी तरफ उसी यूनिट पर $6 खर्च हो रहे हो, तो उस यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? तो प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, तो यानी एक तरफ से इस प्रोडक्ट से $10 आएंगे और दूसरी तरफ से उसी प्रोडक्ट पर $6 खर्च हो जाएंगे, तो कंपनी के पास इस यूनिट के वजह से $4 का सरप्लस आएगा। इस $4 को जमा करके वो अपनी फिक्स कॉस्ट पहले कवर करेंगे और उसके बाद अगर बचता है तो फिर प्रॉफिट कमाएंगे। इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इट्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर फिक्स कॉस्ट एंड देन टुवर्ड्स योर प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस जब अपना साल का प्लान स्टार्ट करती है, प्लानिंग स्टार्ट करती है, तो उसका पहला टारगेट होता है कि वो ये मालूम कर ले कि उसको कितने यूनिट्स बेचने हैं ताकि वो लॉस से बाहर आ जाए। एक बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर यूनिट नहीं बिकेगा, एक भी यूनिट नहीं बिकेगा कंपनी का, तो उसको ना ये $10 मिलेंगे ना उसके ये $6 खर्च होंगे। सो ये दोनों चीज़ें तो ज़ीरो हो जाएंगी, बट फिक्स कॉस्ट फिर भी खर्च करनी पड़ रही होगी, क्योंकि इसीलिए जो फिक्स कॉस्ट है वो हर हाल में खर्च करनी होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो $24,000 फिर भी खर्च हो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी एक भी यूनिट नहीं बेचेगी तो उसको ये $24,000 अपनी जेब से भरने पड़ेंगे और उसका मतलब है लॉस। तो 24,000 का लॉस होगा अगर जीरो यूनिट्स बिकेंगे। लेकिन अगर कंपनी ये देखना चाहे कि कितने यूनिट्स उसको बेचने पड़ेंगे कि उसका ये लॉस जो $24,000 का है फिक्स कॉस्ट की शक्ल में ये कवर हो सके, तो उस पॉइंट को या उन यूनिट्स को कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कहते हैं या ब्रेक इवन सेल यूनिट्स कहते हैं कि आपको अपने प्रॉफिट सॉरी लॉस से बाहर आने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिसपे ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। सो एक बिजनेस को सबसे पहले ये मालूम करना होता है कि उसका किस पॉइंट पर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है। सो जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर उसको हर यूनिट से $4 बच रहे हैं और उसको 24,000 बचाने हैं टोटल में, तो उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि वो $24,000 का कंट्रीब्यूशन जमा करके ये फिक्स कॉस्ट बेयर कर सके। सो आई होप आप लोगों का जवाब भी यही होगा। हमें सिंपली क्या करना है, 24,000 को 4 से डिवाइड करना है, 6,000 यूनिट्स, यानी इस कंपनी को 6,000 यूनिट्स बेचने हैं। अगर वो 6,000 बेच लेगी ये कंपनी तो 4 के हिसाब से 6,000 से $24,000 का कंट्रीब्यूशन जमा होगा, जिससे वो अपनी ये फिक्स कॉस्ट बेयर कर लेंगे और फिर उनकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा होगा, लेकिन उनको बच भी कुछ नहीं रहा होगा। सो इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो फॉर्मूला क्या होगा ब्रेक इवन यूनिट्स का? टोटल फिक्स कॉस्ट divided by contribution per unit. So the formula for break-even units will be total fixed cost divided by contribution per unit. ये इसका formula होगा। So जब कभी आपको break-even units निकालने होंगे तो आप अपनी total fixed cost उठाओगे और उसको अपने per unit contribution से divide कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने units बेचने पड़ेंगे ताकि आप loss से बाहर आ जाओ।
ब्रेक इवन यूनिट्स के साथ साथ हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, यानी सेल्स रेवेन्यू कितना होगा अगर लॉस से निकलना है, सेल्स रेवेन्यू। जिस तरह 6,000 यूनिट्स निकाले हमने, 6,000, इसी तरीके से हम देखेंगे कि इन यूनिट से रेवेन्यू कितना मिल रहा है। तो कभी कभार कंपनी ये देखना चाहती है कि कितने सेल्स रेवेन्यू पर जाकर कंपनी ब्रेक इवन पे होगी। उसका एक तरीका तो ये है कि आप अपने जो ब्रेक इवन यूनिट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। ब्रेक इवन सेल यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सिक्स थाउजेंड यूनिट्स का ब्रेक इवन था और इन यूनिट्स को हम बेच कितने का रहे हैं, एक यूनिट 10 का। तो इसका मतलब 60,000 डॉलर्स का रेवेन्यू आपको जनरेट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको लॉस ना हो। सो 6,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, या दूसरी तरफ से ये कह लें कि 60,000 डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 6,000 यूनिट्स में से हर यूनिट आप 6-10 डॉलर का बेच रहे हो। सो 60,000 डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एट ब्रेक इवन। यही 60,000 डॉलर्स आप एक और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट उस फॉर्मूले से पहले हमें एक और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, सीएस रेशो भी कहते हैं इसको, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। बहुत सिंपल है, ये बेसिकली परसेंटेज है जिसमें आप ये देखते हो कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंट है। हम एक यूनिट से कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, 4 डॉलर का, और वो यूनिट बेच कितने कर रहे हैं, 10 डॉलर का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये 4 डॉलर इस 10 डॉलर का कितना परसेंट है, क्योंकि 10 डॉलर हमें मिलेंगे उसमें से हमें 4 डॉलर बचेगा, जो कि कितना परसेंट बनता है, 40% बनता है। तो 4 को सेलिंग प्राइस से, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सी एस रेशो आ जाएगा, या कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आपको बताता है कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपकी प्राइस का कितने परसेंट है। सो सी एस रेशो विल बी इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर कंट्रीब्यूशन आपका पर यूनिट है तो प्राइस भी पर यूनिट होनी चाहिए, और अगर कंट्रीब्यूशन आपने टोटल उठाया हुआ है तो सेल्स भी आपकी टोटल होनी चाहिए। तो आंसर सेम ही आएगा, बस पर यूनिट वाली इन्फॉर्मेशन दोनों जगह पर यूनिट होनी चाहिए, और अगर टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो फिर सेल्स भी टोटल होनी चाहिए। सो 40% सीएस रेशो है। तो ये जो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू है, ये आप इस सीएस रेशो को यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो वो जरा देख लेते हैं। सेम चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं विद डिफरेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दो अपने सी एस रेशो से, यानी 40 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज है। सो 60,000 आएगा। सो वही सेम आंसर आया है। हमने क्या किया, हमने अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को अपने सी एस रेशो से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। एक्सेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40% वो ले रहा है, वो ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। बट आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप फिक्स कॉस्ट को 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैं इसको फॉर्मूला फॉर्मूले को ऊपर लिखूं, तो द फॉर्मूला विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। अब हमें इस बिजनेस का ये पता चल गया कि इसको कितने यूनिट्स बेचने होंगे ताकि ये लॉस से निकल आए,
उस उन यूनिट से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू कहते हैं, और एक यूनिट से या कंपनी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है, वो कितना है 40%, यानी वो जितना रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी उसका 40% उसको कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है। तो हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब पहला टारगेट तो कंपनी का अचीव हो गया, लेकिन ज़ाहिर है कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं बैठी हुई कि वो ब्रेक इवन पे रहे, कंपनी को प्रॉफिट भी कमाना है। जैसे कि इस बिजनेस ने सेट किया हुआ है टारगेट कि $6,000 का प्रॉफिट कमाना है। अब अगर वो 6,000 यूनिट्स बेचती है कंपनी, 6,000 यूनिट्स, तो 6,000 यूनिट्स जब वो बेचेगी तो वो जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद $24,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और जो कि पूरा का पूरा चला जाएगा फिक्स कॉस्ट कवर करने में। अगर उसको प्रॉफिट 6,000 का चाहिए तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 24,000 से $6,000 ज़्यादा होना चाहिए, यानी $30,000 का होना चाहिए इन दोनों का सम। और $30,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करने के बाद उसमें से $24,000 वो कंपनी पे कर देगी फिक्स कॉस्ट में, और बाकी 6,000 उसको प्रॉफिट बचेगा। इसका मतलब अगर उसको अपना ये टारगेट प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए उसको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, टारगेट प्रॉफिट सेल यूनिट्स, इसको कहते हैं टारगेट प्रॉफिट सेल यूनिट्स, यानी अपने टारगेट प्रॉफिट ऑफ $6,000 को कमाने के लिए उसको टोटल कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो उसको क्या करना है, पहले ये देखना है कि 6,000 का प्रॉफिट मिलेगा कब उसको। उसको तब मिलेगा जब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 24,000 और 6,000 दोनों के बराबर हो, यानी इसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन $30,000 का होना चाहिए, तब जाके उसमें से $24,000 का की फिक्स कॉस्ट पे होगी और $6,000 का उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब ये $30,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा कैसे, हर यूनिट जब वो कंपनी बेचती है तो उसको 10 मिलते हैं, लेकिन 10 में से 6 तो उसी यूनिट पर खर्च हो जाते हैं, उसी यूनिट पर खर्च हो जाते हैं, तो बचता कितना है 4, उस 4 को कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो 30,000 जमा करने के लिए $4 जितने कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो 4 से क्या कर देंगे हम वो डिवाइड कर देंगे, तो 30,000 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें 7,500 यूनिट्स बेचने हैं, सो दैट हमारी कंपनी जो है वो $6,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कमा सके। $6,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 7,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। हम देख भी सकते हैं अगर हम 7,500 को, जस्ट आप लोगों के लिए 7,500 को अगर मैं $4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि एक यूनिट से $4 बच रहे हैं, तो 7,400 से कितना बचेगा 30,000। $30,000 में से 24,000 फिक्स कॉस्ट पे कर दी जाएगी और बाकी 6,000 कंपनी को एज अ प्रॉफिट बच जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा इस टारगेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, जरा आप लोग भी जहन में सोचिए, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ सो दैट आपको भी पता हो। सो आई होप आप लोगों ने जहन में इसका फॉर्मूला सोच लिया होगा। सो टारगेट प्रॉफिट सेल इन यूनिट्स, यूनिट्स में अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस जितना आपने प्रॉफिट सोचा है, इसको हम टारगेट प्रॉफिट कहते हैं, ये प्लस कर दें और इनको डिवाइड कर दें कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो अगर आप इसको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने हैं ताकि आप अपना टारगेट प्रॉफिट कमा सको। जिस तरह ब्रेक इवन का रेवेन्यू निकाला था, इस तरह टारगेट प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू भी होता है। यानी हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि कितने डॉलर्स की सेल जनरेट करनी पड़ेगी तब जाके $6,000 का प्रॉफिट मिलेगा। सो टारगेट प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू कहते हैं उसको, आंसर डॉलर्स में आएगा। उसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है कि आप 7,500 यूनिट्स जो आपने निकाले हैं, जो आपको लगता है कि आपको बेचने हैं, उसको अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। सो प्राइस से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, सो $75,000 का आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, यानी सेल्स रेवेन्यू आपका $75,000 का होगा, तब जाकर आपको $6,000 का एंड में प्रॉफिट बचेगा। सो फॉर्मूला क्या है, सो द फॉर्मूला विल बी सिंपली, आपने ब्रेक इवन यूनिट्स को उठाया और प्राइस से क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपको टारगेट प्रॉफिट सेल्स चाहिए डॉलर्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट प्रॉफिट सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स। तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 7500 को 10 से, तो आपके पास वो रेवेन्यू आ जाएगा जिससे आप अपना $6,000 का प्रॉफिट अर्न कर सको। बट जिस सेकेंड फॉर्मूला भी हमारे पास है, जैसे ब्रेक इवन का था, टारगेट प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू का दूसरा फॉर्मूला क्या है, आप अपनी फिक्स कॉस्ट को जो आप कमाना चाहते हो और अपने प्रॉफिट को जो आप अर्न करना चाहते हो, यानी आप अपने टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपको चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपको चाहिए उनको आप ऐड कर लो यानी कैलकुलेट कर लो। तो हमें क्या चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है और हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो दोनों को ऐड कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया अपने सी एस रेशियो से, जिस तरह से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था ब्रेक इवन निकालते वक्त। तो सी एस रेशियो जो था हमारा, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 40%। तो 24,000 प्लस 6,000 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। सेम आंसर आएगा $75,000 जो ऊपर आया था। सो द आंसर इज सेम $75,000। इफ यू वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $6,000 एट द एंड, यू नीड टू जनरेट अ सेल्स रेवेन्यू ऑफ $75,000। सो फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा जो टारगेट प्रॉफिट सेल यूनिट्स का था। बस याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आपने इसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से, सी एस रेशियो से डिवाइड करना है। भाई ये फर्क है, यूनिट्स के लिए पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है और रेवेन्यू के लिए सी एस रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है, सिंपल। सो अब हमने इस बिजनेस की दो चीजें कैलकुलेट करनी है। उसको ये पता चल गया कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं, 6,000, ताकि लॉस में ना हो, और 7,500 यूनिट्स बेचने हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट भी कमा सकें। सो अगर सिर्फ लॉस से बाहर आना है 6,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, अगर प्रॉफिट भी कमाना है $6,000 का तो फिर 7,500 यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे। अब थोड़ी देर के लिए समझिए, ये बिजनेस 7,500 यूनिट्स बेच रहा है, 7,500 यूनिट्स बेच रहा है। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि एक बिजनेस इस वक्त 7,500 यूनिट्स का प्लान बना के बैठा हुआ या बेच रहा है, और 6,000 यूनिट्स अगर वो बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। 7,500 पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, 6,000 यूनिट्स पर उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा। अब अगर ये बिजनेस ये देखना चाहे कि उसके पास कितना मार्जिन है, यानी वो कितने यूनिट्स अपनी सेल्स में कम होना अफोर्ड कर सकता है कि उसे फिर भी लॉस ना हो, तो कितने यूनिट्स 7,500 को देखते हुए बताइए कि अगर 7,500 यूनिट्स में कमी आ रही हो, सेल्स गिर रही हो, तो कितने यूनिट्स गिर भी जाए 7,500 से तो भी उसको लॉस नहीं होगा। 7,500 से 6,000 तक अगर सेल्स आ जाएंगी तो लॉस नहीं होगा, यानी 1,500 यूनिट्स तक की भी कमी आ जाएगी तो लॉस नहीं होगा, बशर्त यह कि उसके पास इस वक्त 7,500 यूनिट्स सेल हो रहे हो। इसको कहते हैं कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये इसलिए मालूम किया जाता है ताकि कंपनी को ये पता हो कि कभी उसकी सेल्स कम भी हो रही हो तो वो उन सेल्स में कितनी कमी अफोर्ड कर सकता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कैसे निकलेंगे, सिंपली 7,500 यूनिट्स जो कि आपको प्रॉफिट दे रहे हैं में से वो यूनिट्स माइनस कर दें जिस पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, वो है 6,000 यूनिट्स। सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द कंपनी इज 1,500 यूनिट्स, यानी अगर आप 7,500 में से 1,500 यूनिट्स माइनस भी कर दें, कम भी हो जाए सेल्स, तो भी वो 6,000 पे आ जाएगा और 6,000 पे उसको कोई लॉस नहीं होगा, हाँ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा। सो द फॉर्मूला विल बी अ वेरी सिंपल वन, जो अपने टारगेट प्रॉफिट सेल्स यूनिट्स निकाले हैं जिनको हम बजटेड सेल्स भी कह देते हैं, उसमें से ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स को क्या कर दें, माइनस कर दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालने जा रहे हैं, यूनिट्स में,
तरीका ये है कि आप अपने बजटेड सेल्स में से, क्योंकि टारगेट प्रॉफिट सेल्स का मतलब है बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स में से आप माइनस कर दें अपने ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, रेवेन्यू ना कर दीजिएगा क्योंकि हम यूनिट्स में निकालने जा रहे हैं। सो बजटेड सेल्स यूनिट्स में से ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स माइनस कर दें। और कभी कभार एक्चुअल सेल्स भी होती हैं और वो कहते हैं एक्चुअल सेल्स से निकाल के बताएं, तो फिर आप यहाँ पर एक्चुअल सेल्स लिख लेंगे यूनिट्स में, बट माइनस ब्रेक इवन ही करना है। सो 1500 यूनिट्स का मार्जिन है इस कंपनी के पास। यही चीज़ अगर आपको रेवेन्यू में निकालनी है, सो अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को MOS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स। अगर आपको इसको डॉलर्स में निकालना है तो सिंपली 1500 यूनिट्स का मार्जिन है और एक यूनिट हम कितने का बेच रहे थे, 10 का, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको डॉलर्स में पता चल जाएगा कितने डॉलर्स का रेवेन्यू गिरेगा तो भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, सिंपली हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले यूनिट्स को प्राइस पर यूनिट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। MOS डॉलर्स में निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स निकालना है, तो MOS यूनिट्स उठाने पड़ेंगे 1500 और उनको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर, तो आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू में कितना मार्जिन है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, $75,000 का रेवेन्यू जब हम जनरेट कर रहे थे तो हम $6,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर कंपनी को देखना हो कि ये रेवेन्यू कितना गिरे तो भी उसको लॉस नहीं होगा, ये रेवेन्यू 60,000 तक भी आ जाएगा तो लॉस नहीं होगा, और 75,000 और 60,000 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, $15,000 का है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स को 75,000 यानी जो टारगेट प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू है, जिसको हम बजटेड सेल्स रेवेन्यू भी कह सकते हैं, उसमें से अगर हम अपना ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू माइनस कर दें तो भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सो एक और फॉर्मूला भी है जिसमें आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ लिखा हुआ है इसी को उठा लोगे और इसमें यूनिट्स की जगह डॉलर्स का साइन डाल दोगे बस। यानी अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए, तो ब्रेक इवन और बजट सेल्स भी डॉलर्स में हो जाएंगे। सो यहाँ डॉलर्स है तो यहाँ पर भी आप डॉलर्स वाली वैल्यूज उठा लोगे यूनिट्स की बजाय। सो आंसर आ जाएगा, सो द कंपनी हैज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ $15,000, $15,000 का सेफ्टी मार्जिन है इस कंपनी के पास। लास्ट, कभी कभार एग्जामिनर आपसे कहता है यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप हमें परसेंटेज में बताएं कि कितना परसेंट सेफ्टी का मार्जिन है। अब जैसे इस बिजनेस के पास मार्जिन कितना है कि $15,000 उसकी सेल्स गिर भी जाए तो उसको लॉस नहीं होगा, तो $15,000 अगर आप उठा लें और उसको $75,000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हम $75,000 की सेल जनरेट कर रहे होंगे तब जाके हम ये कहेंगे कि इसमें से 15,000 कम भी हो जाए तो कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर मुझे ये बात परसेंटेज में करनी हो कि कितने परसेंट सेल्स गिरें तो भी लॉस नहीं होगा, तो 15,000 75,000 का कितना परसेंट है, जरा आप लोग भी कैलकुलेटर पे कीजिए। ये देखिए कि $15,000 $75,000 का कितना परसेंट है, तो आप $15,000 को $75,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये देख लें कि ये कितना परसेंट आ रहा है, इट इज 20%। यानी आप ये कहोगे कि अगर मेरी सेल्स में $75,000 की सेल्स में 15,000 का यानी 20% का फॉल आ जाए तो भी हमें लॉस नहीं होगा, यानी ये $75,000 20% कम भी हो जाए तो अभी आपको लॉस नहीं होगा। सो अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कभी भी कैलकुलेट करनी पड़े तो बहुत सिंपल है, आपको जस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी को उठाना है जो कि इस वक्त 15,000 या 1500 था, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करें, आपने जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया है वो उठाएं, MOS उठाएं और उसको डिवाइड बाय बजटेड सेल्स कर दें। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स वाला या डॉलर्स वाला, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, नो वरीज। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स वाला उठाया हुआ है तो सेल्स भी फिर आप यूनिट्स वाली उठाओगे, यानी अगर आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये 1500 का उठाया हुआ है तो फिर आपको सेल्स 7500 उठानी पड़ेंगी, ये बजटेड सेल्स,
टारगेट प्रॉफिट सेल्स को बजटेड सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने ये टारगेट सेट कर लिया इसका मतलब ये आपका प्लान है और प्लान को बजट कहते हैं। तो 1500 अगर आप उठा रहे हो तो आप 7500 से डिवाइड करोगे, आंसर सेम आएगा, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ वैसे ही आपकी उसके लिए, 1500 डिवाइडेड बाय 7500। अगर आप इससे भी डिवाइड करोगे तो आपके पास 20% ही आएगा सेम, और अगर आप $15,000 उठा रहे हो तो फिर आपको $75,000 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों से कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ना यूनिट्स का जिक्र किया है ना डॉलर्स का जिक्र किया, क्योंकि इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ यूनिट्स फिगर्स एंड डॉलर फिगर्स। सो ये था आपका CVP एनालिसिस, दिस इज हाउ वी परफॉर्म CVP एनालिसिस, और ये बेसिकली बिजनेस प्लानिंग के लिए यूज कर, ताकि वो अपने पूरे साल का प्लान बना सके। अभी एक बिजनेस के सामने प्लान आ चुका है कि उसको कम से कम 6000 यूनिट्स बेचने ताकि वो लॉस से बाहर आए, लेकिन उसका टारगेट है कि उसको 7500 यूनिट्स बेचने ताकि वो अपना टारगेट प्रॉफिट कमा सके, और उसको साथ साथ ये भी पता चल गया कि 7500 से 6000 के दरमियान 1500 का गैप है जो कि वो अफोर्ड कर सकता है फॉल करना, इससे ज़्यादा का सेल में फॉल वो अफोर्ड नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं CVP के ग्राफ्स आपको समझाऊंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये एक्सेल की फाइल का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड भी कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।